भगवान राम की नगरी अयोध्या। इस समय नेता से लेकर अभिनेता हर कोई भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहा है। अयोध्या इस समय चर्चा का विषय हर जगह बना हुआ है। पूरे देश में अयोध्या नगरी की चर्चा है। भगवान राम के मंदिर का विशाल काम की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में एक खबर सामने आ रही है मुंबई से, जहाँ पर मनसे के मुखिया राज ठाकरे को आमंत्रण देने पहुँचे हैं अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत और उदासीन अखाड़ा के महंत धर्मदास विश्व हिंदू सेवा संघ के अध्यक्ष रविंद्र के त्रिवेदी अपने सैकड़ों समर्थक के साथ दादर में मनसे मुखिया राज ठाकरे से मुलाकात की और उन्हें अयोध्या आने के लिए निमंत्रण पत्र दिया। राज ठाकरे के अयोध्या आने को आमंत्रित किया। वहीं पिछली बार अयोध्या दौरे के विवाद पे सवाल करने पर विश्व हिंदू सेवा संघ के अध्यक्ष रविंद्र के त्रिवेदी ने बताया था कि वे पिछले 25 वर्षों से मुंबई में हैं, उनको कभी भी प्रांत जैसी समस्या नहीं आई है। और इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहना था मौजूद लोगों का, क्या कुछ बताया उन्होंने कि राज ठाकरे उन्होंने आमंत्रित किया, तो इस दौरान राज ठाकरे का क्या कुछ कहना था अयोध्या नगरी भगवान राम के दर्शन के लिए कब वह आ रहे हैं, देखिए मुंबई से ये खास रिपोर्ट। श्री राम जन्मभूमि की, काशी की, श्री विश्वनाथ की, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, नमः पार्वती पते। पहले तो मुंबई वासियों को ढेर सारा आशीर्वाद, मंगल कामना। धर्मनगरी अयोध्या से पूज्य महंत धर्मदास जी महाराज अयोध्या उदासीन ऋषि आश्रम, पूज्य महंत अवधेश्वर दास जी उदासीन आश्रम इटावा, और द्विवेदी जी और सारे लोग, हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर आया था। मुंबई आने का अवसर मिला, महाराष्ट्र में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और आने के बाद यहाँ के लोगों का प्यार स्नेह बहुत अच्छा मिला। एक मन में भाव था जो सनातन धर्म संस्कृति, हिंदू हिंदुत्व और अखंड राज सनातन संस्कृति पे बात करेगा। साधु संत उनके साथ है, तो आज मनसे प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात हुई और उनको आशीर्वाद दिया और उनको आमंत्रण दिया। अयोध्या है धर्म नगरी में आपका स्वागत है। तो उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने वाले नहीं, उद्धव जी से तो मुलाकात करने वाले नहीं है, मैं राज ठाकरे जी को निमंत्रण देने आया था। राज ठाकरे जी को निमंत्रण दिया है राज ठाकरे जी को निमंत्रण दिया है अयोध्या आने का, बस इसी उद्देश्य आया था, दे दिया निमंत्रण। सर पिछली बार भी आप आए थे, राज साहब ने बोला था कि अयोध्या आएंगे, लेकिन बहुत बड़ा बवाल हुआ था, इस बार क्या वहाँ पे तैयारी होगी आपकी तरफ से? नहीं नहीं, मैं तो एक संकल्प था कि जो है उद्धव जी का अहंकार जब तक सर्वनाश नहीं होगा, जब तक उनकी अहंकार का पतन नहीं होगा, छीन नहीं होगा, तब तक मुंबई की धरती महाराष्ट्र पर कदम भी नहीं रखूंगा। तो उस पे मैं आम जनमानस को, मुंबई वासियों को, शिव सैनिकों को आभार व्यक्त करता हूँ कि आप जो हिंदुत्व के प्रेमी हैं, आप जिस के लिए जाने जाते हैं, शिव सैनिक जो आपका नाम है, उस पे आप खड़े उतरे और आप ऐसी खरियंकारी मानसिकता को नीचे उतार कर ओरिजिनल को बैठा दिया है। रही बात कि पिछली बार मैं निमंत्रण देने तो नहीं आया था, लेकिन इस बार मैं उनको निमंत्रण देने आया हूँ कि आप आओ अयोध्या, आपका स्वागत। विरोध किया था तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी और क्या कुछ तैयारियाँ रहेंगी? माननीय सांसद ब्रजभूषण ने जिस तरीके से विरोध किया था, कुछ उनके अंदर गलत फहमी पैदा हुई थी और हमने उस गलत फहमी को कोशिश करेंगे कि दूर हो जाए और अभी कोई भी विरोध नहीं होगा, जैसे कि हमारे महंत जी ने बताया। आगे की क्या तैयारी है महंत जी को साथ लेकर? महंत जी को अभी तो हमने जो निमंत्रण दिया है माननीय राज साहब को, मनसे प्रमुख को, अभी उन्होंने बोला जिस जल्दी इसके बारे में हम तय करेंगे कि कब हम अयोध्या आ सकते हैं, और जैसे ही वो समय और एक डेट तय करेंगे उस तरीके से फिर हमारी महाराज जी के साथ चर्चा तय होगी कि किस तरीके से उनका वहाँ पे स्वागत किया जाए और भगवान रामलला के और हनुमान जी के दर्शन कराए जाए। तो लगता है सिंधे जी से मुलाकात करेंगे? नहीं नहीं नहीं, देखिए उद्धव जी से इसलिए मिल रहे हैं जो मेरे राम का नहीं, किसी काम का नहीं, जो सनातन संस्कृति को गिरवी रख दे कृषि के लिए। अपने जो बाला साहब ठाकरे की जो विचार थी, बाला साहब ठाकरे ने क्या कहा था कि मैं शिवसेना को खत्म करना पसंद करूंगा, कांग्रेसियों के साथ जाना पसंद नहीं करूंगा। कौन सी स्थिति परिस्थिति आ गई कि आप ऐसे मानसिकता के लोगों के साथ सरकार बना लिया? ठीक है, सरकार बना लिया तो अपने विचार पे आप स्टैंड नहीं रहे,
आपने अपनी मानसिकता को बदल दिया, तो इसके नाते उनसे मिलने की कोई जरूरत नहीं। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।